नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि। अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि। देखिए, अशोक के अभिलेखों की दोस्तों तीन भाषाएं हैं और चार लिपियां। अशोक ने अपने अभिलेख जो हैं वो तीन भाषाओं में लिखे और चार लिपि। तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? नंबर एक प्राकृत भाषा, नंबर दो अरेमाइक भाषा और नंबर तीन है साथियों यूनानी भाषा। प्राकृत, अरेमाइक और यूनानी। इसमें दोस्तों अपने बात करें, जो अरेमाइक भाषा है इसकी ये कहाँ से आई भारत में? ये साथियों ईरान से आई। और यूनानी भाषा है ये कहाँ से आई है? यूनान से आई। जब ईरानी भारत आए तो उनके साथ अरेमाइक भाषा आ गई, जब यूनानी भारत आए तो उनके साथ कौन सी भाषा आ गई दोस्तों? यूनानी भाषा आ गई। फिर अपने बात करें लिपियों की, ये जो प्राकृत भाषा है इसको लिखने की दो लिपियां हैं या दो लिपियों में लिखी गई है। नंबर एक ब्राह्मी लिपि और नंबर दो खरोष्ठी लिपि। नंबर एक ब्राह्मी लिपि और नंबर दो कौन सी दोस्तों? खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख शिलालेख जो हैं दोस्तों वो कहाँ से मिले हैं? भारत से मिले हैं। और खरोष्ठी लिपि के मिले हैं आपके पाकिस्तान से। फिर अपने बात करें खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी गई है दोस्तों, या उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति है साथियों वो हुई है ईरान, ईरान से। और ईरान की किस भाषा से? अरेमाइक से। उत्पत्ति किससे मानी गई इसकी? अरेमाइक से। अरेमाइक से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अरेमाइक भाषा की जो लिपि है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है अरेमाइक लिपि। अरेमाइक लिपि। और यूनानी जो भाषा है इसकी लिपि का नाम क्या है दोस्तों? वो है यूनानी लिपि। ये जो दोनों भाषाएं हैं या इन दोनों लिपियों के जो अभिलेख शिलालेख मिले हैं साथियों ये कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के कहां से मिले? भारत से मिले हैं। प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि के कहां से मिले तो साथियों? पाकिस्तान से मिले हैं। और अरेमाइक भाषा, अरेमाइक लिपि और यूनानी भाषा या यूनानी लिपि के कहां से मिले? अफगानिस्तान से मिले। अगर सर्वाधिक किस भाषा में मिले हैं, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वाधिक मिले हैं दोस्तों प्राकृत भाषा के। लिपियों में बात करें तो सर्वाधिक मिले हैं किसके दोस्तों? ब्राह्मी लिपि के। और कहां से मिले? भारत से मिले। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि के और कहां से मिले? भारत से मिले। ठीक है साथियों, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।